आपका क्वेश्चन है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, ए ऑप्शन दे रहा है C6H5CH2CH2 फ्री रेडिकल, बी ऑप्शन दे रहा है C6H5CH फ्री रेडिकल आगे CH3, सी ऑप्शन दे रहा है CH3CH2 फ्री रेडिकल, और डी ऑप्शन दे रहा है CH3CH फ्री रेडिकल आगे CH3। एनालाइज करिए, सोचिए, तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल अमंग द फॉलोइंग इज, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल, तो अगर आप फ्री रेडिकल को सोचो तो फ्री रेडिकल है क्या, कार्बन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, और जो कार्बन के ऑक्टेट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या ऑक्टेट टर्म्स में इसे अमीर बोले या गरीब बोले, गरीब, और जो ऑक्टेट टर्म्स में गरीब है तो अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रूप लगा होगा तो क्या इसको स्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, लेकिन अगर कभी रेफरेंस वैल्यू हो जाए तो तुलनात्मक कम स्टेबल, और इसी से कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें तो ये आपका सबसे कम स्टेबल, यही तो बना, तो यही आपको देखना है कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जो पैसा दे रहा है स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो पैसा खींच रहा है स्टेबिलिटी गिराएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैसे पहचानते हैं, हम पहचानते हैं रेजोनेंस से, हम पहचानते हैं हाइपर कंजुगेशन से, और हम पहचानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से। इसमें तो आएगा प्लस एम पैसा देने वाला, प्लस हाइपर कंजुगेशन पैसा देने वाला, प्लस आई पैसा देने वाला, माइनस आई माइनस एम, ये सब होते क्या हैं, पैसा खींचने वाले, यही हमको देखना है। तो रेजोनेंस कहाँ होगा ये कैसे पहचानोगे, हमने क्या बताया है, ई डबल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है, ए के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, बी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो रेजोनेंस होता है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इनमें रेजोनेंस होता है, ये पढ़ा है। तो अगर कभी रेजोनेंस वाली बात आएगी, जो पैसा दे रहा होगा फ्री रेडिकल को स्टेबल बना रहा होगा। हाइपर कंजुगेशन में हमने क्या पढ़ा है, हाइपर कंजुगेशन में हमने पढ़ा है कि sp3 कार्बन चाहिए, इसके ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन चाहिए, बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन होता है, हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब अगर ये केस आ गया तो भी हाइपर कंजुगेशन सोचना है। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, कि हमने पढ़ा है कि अगर कभी कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन ये सब पैसा देने वाले हैं, प्लस आई से ये कहीं ना कहीं पैसा देंगे, इसी को अप्लाई करना है। सोचिए, अगर मैं फ्री रेडिकल को घेरता हूं तो इसके बगल में CH2 है, फिर PH है, C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप, इसके आगे CH2, इसके आगे CH2 फ्री रेडिकल, तो ये डबल बॉन्ड बी है और सी और टी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और जो ए डबल बॉन्ड बी सी डी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सी के पास सी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दैट मीन्स उसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो फ्री रेडिकल को घेरा तो बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ दो हाइपर कंजुगेशन है, तो वहां दो हाइपर कंजुगेशन है। अगर मैं इस पर्टिकुलर फ्री रेडिकल को घेरूं तो इसके बगल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, अगर इसको थोड़ा खोल के लिखो तो यहाँ की कहानी में एक बेंजीन है, उसके बगल में सी एच पे फ्री रेडिकल है और यहाँ पे सी एच थ्री है, तो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास फ्री रेडिकल, तो दैट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस की बात हो रही है, तो कहानी के अंदर रेजोनेंस है, और साथ में तीन हाइड्रोजन मतलब इस कार्बन पे, तो तीन हाइपर कंजुगेशन भी है। अगर इसको देखें और इस फ्री रेडिकल को घेरें तो बगल वाले कार्बन तीन हाइड्रोजन है, दैट मीन्स इसके पास तीन हाइपर कंजुगेशन है, लेकिन रेजोनेंस नहीं है। अब जरा चौथे को देखें, तो चौथे को देखें और इसको घेरें तो यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे छह हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है। तो पहले वाले केस में रेजोनेंस नहीं है, दो हाइपर कंजुगेशन है, दूसरे वाले केस में रेजोनेंस है, साथ में तीन हाइपर कंजुगेशन है, तीसरे वाले केस में तीन हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस नहीं है, और चौथे वाले केस में छह हाइपर कंजुगेशन है लेकिन रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस जिसमें है वो कौन सा है, बी। तो मोस्ट स्टेबल अगर पूछ रहा है तो आंसर कौन सा हो गया, बी, ये बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले देखना होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस ना हो तब देखना होता है हाइपर कंजुगेशन, और ये भी हाइपर कंजुगेशन ना हो तो उस केस में आपको देखना होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इसी को तो देखना है और इसी के बेसिस पर क्वेश्चन को लगाना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।